इतिहास आपके सामने करवट बदल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, उसे खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। आज राज्यसभा में एक बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ इस तरह से अपनी बात रखी। ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पदार्थ। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 370 है क्या। हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, उस वक्त के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने कुछ शर्तें सामने रखी थी और उसी के तहत आर्टिकल 370 वजूद में आया। आर्टिकल 370 है क्या? आर्टिकल 370 के मुताबिक भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों, रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी मिलेगी। और इसी से जुड़ा है आर्टिकल 35A जो 1954 में वजूद आया था एक राष्ट्रपति आदेश के जरिए। यह आदेश क्या कहता है? 35A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। अस्थायी निवासी को उन अधिकारों से वंचित किया गया है। अस्थायी नागरिक जम्मू कश्मीर में न स्थायी रूप से बस सकते हैं और ना ही वहां संपत्ति खरीद सकते हैं। सरकार के इस आदेश के बाद अब जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया है, एक तरफ जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ लद्दाख। कश्मीर का दर्जा अब एक यूनियन टेरिटरी जैसा है, यानी कि दिल्ली या पौंडीचेरी जैसा, जिसकी अपनी एक विधानसभा होगी। यानी कि इन 2 क्षेत्रों के लिए, यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, को एक एक राज्यपाल मिलेगा। यानी कि अब इस पूरे इलाके में 2 राज्यपाल होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, उस मैनिफेस्टो के आधार पर इन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा था। यह मैनिफेस्टो क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। आर्टिकल 370 पर यह मैनिफेस्टो कहता है कि इन द लास्ट 5 ईयर्स वी हैव मेड ऑल नेसेसरी एफर्ट्स टू एंश्योर पीस इन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू डिसाइसिव एक्शंस एंड अ फर्म पॉलिसी। We are committed to overcome all obstacles that come in the way of development and provide adequate financial resources to all regions of the state. We reiterate our position since the time of the Jan Sangh for the abrogation of Article 370. We are committed to annulling Article 35A of the Constitution of India as the provision is discriminatory against non-permanent residents and women of Jammu and Kashmir. यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि यह हिस्सा था भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का। मगर इस मैनिफेस्टो के अगर आप एक हिस्से पर गौर करें कि हमने पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित की है, तो कुछ तथ्य आपके सामने। पिछले 5 सालों में जो हमारे सैनिक हैं जम्मू कश्मीर में, जो 2014 में जितने सैनिक मारे गए थे, 2019 में वो तादाद डबल हो जाती है। और ये आंकड़े किसी और के नहीं, भारत सरकार के हैं, होम मिनिस्ट्री के हैं। इसके अलावा स्टोन पेल्टिंग की वारदातें भी लगातार बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी वारदातें बढ़ी हैं, सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये कैसे दावा कर सकती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं? मोदी सरकार के इस फैसले को समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में झांकना होगा और इस तस्वीर को देखना होगा।
आप इसमें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी हैं और वो कश्मीर में श्रीनगर के अंदर ध्वजारोहण तिरंगे को फहराने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कश्मीर सिर्फ एक सामरिक मुद्दा नहीं है, इसके वैचारिक मायने भी हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले को समझने के लिए आपको यह भी जानना होगा कि कश्मीर में हालात बदतर हुए थे 1989 में, 1989 में, और ये बदतर हालात 1996 तक जारी रहे थे। ये वो दौर था जब कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने में पलायन हुआ, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए, आतंकवादी घटनाएं बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो ये फैसला लिया है उसे याद करना होगा, मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना होगा कि 1999 से 2004 के बीच जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने इंसानियत के दायरे में द हीलिंग टच की बात की थी। उसी हीलिंग टच का नतीजा थी कि 2003 से लेकर 2013-12 तक कश्मीर में हालात सामान्य रहे। ऐसा क्या हो रहा है कि 2014 से हालात फिर बद से बदतर होते जा रहे हैं? केंद्र सरकार ने जो ये फैसला लिया है हम उसके मायनों को तो समझेंगे ही, मगर इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देर रात से किस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के गृह सचिव ने एक आदेश दिया और वो आदेश क्या कहता है। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव शालीन काबरा का यह आदेश है, आतंकवादियों के संभावित हमलों और अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाए जाने के इनपुट्स के मद्देनजर, साथ ही कश्मीर घाटी में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह नसीहत दी जाती है कि पर्यटक और श्रद्धालु अपनी कश्मीर यात्रा को रोक दें और घाटी छोड़ने का इंतजाम करें। साथ ही कश्मीर के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई। इससे पहले कई बार मोबाइल सेवाएं बंद की गई थी, मगर यह पहली बार है जब लैंडलाइंस तक को भी बंद कर दिया गया। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सबको नजरबंद करके रख दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर शाम फारूख अब्दुल्ला के घर पर एक सर्वदलीय बैठक होती है और इस बैठक में कश्मीर की तमाम पार्टियां शामिल होती हैं, यानी कि केंद्र सरकार के इस फैसले से पहले कश्मीर की तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक मंच पर आ जाती हैं। और इस सर्वदलीय बैठक के बाद फारूख अब्दुल्ला कहते हैं, राज्य की सभी पार्टियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अलग पहचान, स्वायत्तता और स्पेशल स्टेटस बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए सभी पार्टियां मिलकर काम करेंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, उमर अब्दुल्ला का हाउस अरेस्ट हो जाता है और उसके बाद वो ट्वीट करते हैं, Doesn't look good, stay calm. I believe I'm being placed under house arrest from midnight tonight and the process has already started for other mainstream leaders. No way of knowing if this is true, but if it is, then I'll see you all on the other side of whatever is in store. Allah save us. Aage, Umar Abdullah ye bhi kehte hain, While I've been focused on Kashmir, I must add a word for people in Kargil, Ladakh and Jammu. I have no idea what is in store for our state, but it doesn't look good. I know many of you will be upset by what unfolds. Please don't take the law in your hands. Please stay calm. दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी। उमर अब्दुल्ला एक ऐसे राजनेता हैं जिनके इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया जब उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया हो। ये वो शख्स है जो कहीं ना कहीं एक ढाल का काम करता है पृथकतावादियों, आतंकवादियों और भारत के बीच में। हम ऐसे शख्स को हाउस अरेस्ट पर भेज रहे हैं, ये क्या कहता है हमारे प्रजातंत्र के बारे में? ये क्या कहता है हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में? ऐसे में क्या हमें यह ज्ञान देने का अधिकार बच जाता है? यह ज्ञान देने का हक हमें रह जाता है? सोचिए, लैंडलाइंस बंद है, इंटरनेट बंद है। अगर आपकी कोई रिश्तेदार कश्मीर के किसी हिस्से में मौजूद है, उनके पास कोई तरीका नहीं है कि वो इमरजेंसी सर्विसेज को अपने घर में बुला सकें। आखिर क्यों? और आज हमें कुछ मुद्दों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आज से पहले 25 साल में कभी भी अमरनाथ यात्रा बंद नहीं की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, 1996 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी जिसमें
243 श्रद्धालु मारे गए थे। ये एक प्राकृतिक आपदा थी, उस वक्त भी अमरनाथ यात्रा बंद नहीं हुई थी। यही नहीं, एक इतिहास है, इन सालों पर गौर कीजिए। साल 2000, साल 2001, साल 2002, साल 2006, इन तमाम सालों में बड़े आतंकवादी हमले हुए थे, मगर अमरनाथ यात्रा को कभी बंद नहीं किया गया। क्यों? 2017 में, यानी कि आज से दो साल पहले भी आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें भी कई लोग मारे गए थे, मगर अमरनाथ यात्रा तब भी बंद नहीं की गई थी। तो पहला प्रश्न ये कि आप अमरनाथ यात्रा बंद करके क्या संदेश देना चाह रहे थे? और अब दूसरा मुद्दा, अगर थ्रेट सिर्फ अमरनाथ यात्रा को थी तो तमाम पर्यटकों को अचानक आपने क्यों भेज दिया? उन्हें क्यों मशवरा दिया कि आप घाटी छोड़ दें? हम सब कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, लिहाजा कश्मीरी भी हमारा अभिन्न अंग है। जब हम अचानक पर्यटकों को कह देते हैं कि आप घाटी छोड़कर चले जाइए, तो आप देखिए कि उनके डल लेक के अंदर जो उनके हाउस बोट्स हैं, उनका जो पर्यटन है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उग्र तेवर सामने उभर कर आते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं रविंदर रैना, जो कि बीजेपी राज्य के अध्यक्ष हैं, उनका ये बयान। वो क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त को हर पंचायत में तिरंगा फहराएगी। बहुत अच्छी बात है कि आप तिरंगा फहराना चाहते हैं, मगर हम सब जानते हैं कि इसका मकसद देशभक्ति नहीं है, इसका मकसद राष्ट्रवाद भी नहीं है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत है। संदेश या तजुर्बा कश्मीर में आप करना चाहते हैं और न्यूज चैनल्स के जरिए संदेश पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इसके मायने सिर्फ सामरिक नहीं है, वैचारिक भी हैं। और अब हम बात करना चाहेंगे कि इस मुद्दे के ऐतिहासिक मायने क्या हैं बीजेपी के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तिरंगे की बात यहां पर रविंदर रैना कर रहे हैं, उसकी जड़ें 1992 में हैं। यह तस्वीर एक बार फिर देखिए, यहां पर आप नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ। ये वक्त था 1992 और उस वक्त तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मुरली मनोहर जोशी तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे तो तिरंगे का जो डंडा है वो टूट गया था और उसके चलते उन्हें चोट लग गई थी, मगर भारतीय जनता पार्टी उसके जरिए एक संदेश देना चाह रही थी। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा कि इसके मायने क्या हैं। कहीं ना कहीं मुरली मनोहर जोशी ने जो ये तिरंगा मार्च किया था उससे जुड़ी है भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक सोच भी। 1992 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे, संस्थापक थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। जी हां, 1952 में 11 मई 1953 में उनको नजरबंद किया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद, यानी कुछ ही दिनों बाद, सिर्फ एक महीने बाद 23 जून 1953 में उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे आरएसएस हो या उस वक्त की जनसंघ, वो इसके लिए बार बार शेख अब्दुल्ला, जो कि फारूख अब्दुल्ला के पिता हैं, उन पर दोष मढ़ती आ रही है। यही नहीं, वो साथ ही साथ उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू पर भी इसका दोष मढ़ते आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 1992 और 1953 ये दोनों घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की अपनी वैचारिक लड़ाई में एक खास मायने रखती है। मगर सवाल यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है आर्टिकल 370 को हटाने का, क्या जमीन पर एक संवाद नहीं होना चाहिए था, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दिलचस्पी कश्मीर में लगातार बढ़ती जा रही है। सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की मौजूदगी में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में क्या कहा था कि खुद प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि अमरीका इस मुद्दे पर दखल करे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने इस बयान में थोड़ा सा संशोधन जरूर किया, मगर एक बार फिर कश्मीर में मध्यस्थता की ख्वाहिश जाहिर की। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरा आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
We'll be right back.